हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अगला T10 मैच जो है ये होने वाला है SMI वर्सेस STO के बीच में। तो इसका पूरा लाइनअप जानेंगे और बनाएंगे एक अच्छी सी विनिंग टीम। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, सबसे और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो STO टीम के जो प्लेयर हैं उनकी करियर की, पिछले करियर की जो परफॉर्मेंस है वो उनके बारे उसके बारे में, उसके बाद उसने जो 2 मैच खेले हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले STO की बात करें तो दीपंजय देव इसकी बेस्ट प्लेयर हैं। ओपनर बल्लेबाज हैं, 8 मैचों में 403 रन बनाए हैं। वही भार्गव कुमार 239 रन बनाए हैं 11 मैचों में। ठीक है, अर्जित घोष ओपनर बल्लेबाज हैं, 15 मैचों में 151 रन बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यहाँ से सुभाष मुरली, 8 मैचेस खेले हैं बंदे ने, 60 रन बनाए हैं और एक विकेट लिया है। ठीक है दोस्तों, इमरान खान 171 रन बनाए हैं 6 मैचों में और 2 विकेट भी लिए हैं। अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से होंगे अभिषेक कौल, 109 रन बनाए हैं, 14 विकेट लिए हैं 9 मैचों में। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर की तो संजय कुमार है, 17 विकेट लिए हैं भाई ने 8 मैचों में, मतलब हर मैच में बंदा एवरेज 2 विकेट निकाल देता है और थर्ड नंबर पर बैटिंग भी कर सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अमरदीप सिंह 8 मैचों में 10 विकेट, लाजित मान 5 मैचों में 81 रन और 5 विकेट। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइनअप बताया मैंने आपको STO टीम को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना यार। भाई आपके एक सब्सक्राइब से सच बता रहा हूँ भाई, और अच्छे कंटेंट बनाए लेके आएंगे आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब बात करेंगे दोस्तों STO टीम के पिछले 2 मैच जो खेले हैं उसने कल, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, बात करें हम STO टीम की तो STO टीम ने पहला मैच जो खेला था अपना INC के खिलाफ खेला था और ये 1 रन से हार गई थी। ठीक है दोस्तों, और इधर से अभिषेक माथुर ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 28 रन बनाए थे 27 बॉलों में। ठीक है, सी नाली ने 23 रन बनाए थे 21 गेंदों में। कौशिक वाट्स 8 रन बनाए थे 9 गेंदों में। ठीक है दोस्तों, बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया था अविनाश उपाध्याय ने, कुछ नहीं कर पाए थे। उमेश भारती ने 2 विकेट लिए थे। ठीक है दोस्तों, अशोक ने 1 विकेट लिया था। तो ये मतलब पहला मैच हारा था STO ने। अब बात करते हैं STO टीम के दूसरे मैच की दोस्तों, बात करें दोस्तों STO टीम के दूसरे मैच की तो दूसरे मैच में भी इनकी हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, कुल 61 रन बना पाए थे तो हार हुई थी इस मैच में। बैटिंग की बात करें तो उमेश भारती ने 15 रन बनाए थे 17 बॉलों में। कौशिक बाट्स ने 18 रन की पारी खेली थी। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो इधर से उमेश भारती तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन निरंजन कोमला ने 1 विकेट लिया था, हिमांशु पटेल ने 1 विकेट लिया था दोस्तों, सुमन ने 1 विकेट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो STO ने 2 मैच खेले हैं दोस्तों और दोनों मैच क्या हैं, लॉस करे हैं, एक INC के खिलाफ एक SIG के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों SMI टीम की। ठीक है, तो इधर से ओपनर बल्लेबाज हैं रोहित और पी शंखे। ठीक है दोस्तों, और टी हुसैन इधर के बेस्ट पर प्लेयर हैं, 24 मैचेस खेले हैं बंदे ने, 686 रन बनाए हैं और 4 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, एस महाराजन 26 मैचों में 270 रन 24 विकेट लिए हैं। ठीक है, आर राजा यहाँ के इस टीम के अच्छे प्लेयर हैं एक। ठीक है, एस काका जी भी अच्छे हैं। निखिल पांड्या ये बॉलर है लेकिन बैटिंग क्रम में ऊपर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों SMI टीम के जो 2 मैच खेले हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। बात करें दोस्तों SMI टीम की तो इसने भी अपना पहला मैच हारा था। ठीक है, केवल 44 रन बना पाई थी ये। ठीक है, इधर से जो अच्छा प्रदर्शन किया था केवल आर दागे ने 11 रन बनाए थे, नहीं तो कोई भी बल्लेबाज इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करा। बात करें बॉलिंग सेक्शन से इधर से तो इधर बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों एस काले ने 1 विकेट लिया और डी लखानी ने 2 विकेट लिए, सुशांत कदम ने 1 विकेट लिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे मैच की। बात करें दोस्तों SMI टीम के दूसरे मैच की जो कि PF के खिलाफ खेला था इसने, इसमें भी इसकी हार हुई थी दोस्तों, यानी कि STO और SMI दोनों ने अपने दोनों मुकाबले शुरुआत की क्या करें, हारे हैं दोस्तों। ठीक है, निखिल पांडा ऊपर क्रम में बैटिंग करने आए थे लेकिन 6 रन नहीं बना पाए। पी सांकले अच्छे बल्लेबाज है इस टीम के लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इस बार भी 12 गेंदों में केवल 12 रन नहीं बना पाए। ठीक है दोस्तों, दर्शन लखानी 9 बॉलों में 14 रन। ठीक है, अब बात करते हैं इधर से बॉलिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों तो स्वप्न अविनाश डोंगरे ने 1 विकेट लिया था, दर्शन लखानी ने 3 विकेट लिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी ड्रीम टीम की।
दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों अब भी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से तो दो प्लेयर लिए मैंने, संकले और नाली। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से तीन प्लेयर लिए मैंने, वाट्स, ठीक है, डॉगमी। ठीक है दोस्तों, बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से तो तीन प्लेयर लिए मैंने। आप दोस्तों एक मैच में क्या करना है आपको, आप एच पटेल की जगह एक और टीम बनाओ, उसमें एस काका जी को ट्राई करना है आपको। ठीक है दोस्तों, बात करें बॉलिंग सेक्शन से तो अभिषेक उपाध्याय को लिया है मैंने, निखिल पांड्या को लिया है और एस काली को लिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने बनाया दोस्तों डी लखानी को, यू भारती को। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो की वाट्स को भी वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हो या अभिषेक उपाध्याय को भी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।